और यहां पर राजंका के खिलाड़ी किक लेने के लिए तैयार। और ये बेहतरीन तरीके से पहली बढ़त हासिल करता हुआ एक्सपायरी नाइन राजंका के खिलाड़ी, और उसका बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हुए एक्सपायरी नाइन राजंका के जो स्ट्राइकर हैं, और इस तरह से पहली बढ़त पहली गोल करने में। इसी के साथ गोल का बदला गोल से देते हुए लाल टांगोर एफसी के खिलाड़ी, और इस तरह से दोनों टीमें जो है एक एक की बराबरी पर। और ये बेहतरीन तरीके से चकमा देने के बाद लगातार दूसरी गोल करता हुआ एक्सपायरी नाइन राजंका की ओर से। अब देखना पड़ेगा कि लाल टांगोर एफसी के खिलाड़ी भी क्या अपनी टीम को बराबरी पर ला पाते हैं या नहीं, यानी कि लगातार दूसरी गोल कर पाएंगे या नहीं। और यहां पर इसी के साथ ईट का जवाब पत्थर से देते हुए लाल टांगोर एफसी के खिलाड़ी, यानी कि दो दो गोल की बराबरी पर दोनों टीम के खिलाड़ी। अब देखना पड़ेगा लाल टांगोर एफसी के गोलकीपर, और वहीं अगर बात की जाए एक्सपायरी नाइन राजंका के खिलाड़ी, क्या राजंका के खिलाड़ी गोल कर पाएंगे, और वहीं अगर बात की जाए तो क्या लाल टांगोर एफसी के गोलकीपर बचा पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल। अब दोनों टीमों के लिए चुनौती होगी। और इसी के साथ लगातार तीसरी गोल करता हुआ राजंका के खिलाड़ी। अब देखना पड़ेगा लाल टांगोर एफसी के खिलाड़ी भी क्या अपनी टीम को बराबरी पर लाने के लिए लगातार तीसरी गोल कर पाएंगे। और ये काफी बेहतरीन तरीके से
यानी कि गोल का बदला गोल से देते हुए। और अभी तक की अगर बात करूं तो दोनों टीमें तीन तीन गोल की बराबरी पर हैं। अब देखना पड़ेगा कि अब अभी तक तो दोनों टीमें बराबरी पर हैं, तो अब रेफरी महोदय जी किस प्रकार का निर्णय लेते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये लगातार चौथी गोल करता हुआ राजंका के खिलाड़ी। अब अगर लाल टंगोर एफसी की टीम को का जवाब देते हुए, यानी कि लगातार लगातार पांचवी गोल अपनी टीम को मैच में बनाए रखने के लिए, क्या अपनी टीम के लिए लगातार पांचवी गोल कर पाते हैं या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए राजंका के गोलकीपर की तो उनके लिए भी एक चुनौती होगा अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए, क्या अपनी टीम के लिए ये गोल को बचा पाते हैं या नहीं। और लेकिन ये काफी दंदनाता हुआ शॉट, बेहतरीन तरीके से गोल करने में कामयाब होता हुआ। और इस तरह से दोनों टीमें जो है पांच पांच गोल की बराबरी पर। दोनों टीमें आएंगी राजंका के खिलाड़ी। और लेकिन ये बेहतरीन तरीके से गोल को नाकाम करते हुए लाल टंगोर एफसी की ओर से बेहतरीन, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा। अब यहां पर करो या मारो का मुकाबला होगा राजंका के गोलकीपर द्वारा। अब जितना भी अब वो सिम पड़ा पा रहे जो काते को वो बिचावा कटा, इनको ताते रिक्वेस्ट में ना थे अब वो काते को इंतारे कबू बिचावा का। अगर कमेटी पे तन सफेद को सेना तो एंड्रिया आपको पाए तो जान निर्णय को कोई कहते तो मुश्किल किया है ना मिलते अब समझाओ वो अब इंतार जितना भी काते को वो ये कटे इनको ताते अरदास में ना थे अब इंतारे वो हाथों में कहा।
साथ लगातार।